मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। शनिवार को 3 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलवाई है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन है, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अभी भी खाली है। इससे पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट में 23 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद गठित मंत्रिमंडल को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती कई मर्तबा कह चुकी थी कि मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन नहीं है। उमा के इस बयान के पीछे यह भी वजह थी कि मंत्रिमंडल में लोधी समाज का एक भी मंत्री नहीं था, जबकि पिछली बीजेपी की सरकार में कुसुम महदेले और जालम सिंह पटेल मंत्री थे। साल 2014 में बनी केंद्र में मोदी सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती भारतीय कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट में शामिल थी।